नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूरस और आप सभी देख रहे हैं टेक्निकल मयूरस। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर आपको ऑफलाइन मार्केट में फ़ोन नहीं खरीदना, क्यों नहीं खरीदना। मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा और क्या डिटेल्स है सेल्स की कि क्या ऑनलाइन वेबसाइट पर सेल आने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, अगर आप अभी फ़िलहाल अगर आपको मोबाइल की ज़रूरत है तो आपके पास अभी फ़िलहाल सिर्फ एक ऑप्शन बच रहा है कि आपको जो है वो ऑफलाइन मार्केट में जाना है और वहाँ से आपको मोबाइल ख़रीदना है। चलो ठीक है, मान लिया आपके वहाँ पे शहर में ग्रीन जोन है, आप गए दुकान पे, गए आपने फ़ोन मांगा, उन्होंने प्राइस जो है आप उनसे इस टाइम पे अगर आप कहीं पे भी जाओगे ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन, अगर जहाँ भी मोबाइल की शॉप ओपन है आपको रेट टू रेट में वो नहीं देंगे। इस टाइम उन्होंने एक मोनोपोली क्रिएट की है जो कि पूरा एसोसिएशन होता है मोबाइल कंपनियों, मोबाइल के दुकान के ओनर्स वालों का एक ग्रुप होता है, जितने भी शहर के होते हैं वो सभी एक रेट प्राइस जो है वो डिसाइड कर लेते हैं कि भाई ये जो फ़ोन है ये हम सबको 2000 रुपये महंगे में बेचना है। तो आप फिर शहर की किसी भी दुकान पे जाओगे वो 2000 रुपये महंगे में ही मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं एक आपको कौन से फ़ोन का, सभी फ़ोन का समझ लो, लेकिन यार मैं अभी कौन सा फ़ोन देखने गया था, रियलमी C3 गया था। आपने देखा होगा कि M11 था, तो उस दिन में जिस दिन मुझे ये M11 मिला था रिव्यू यूनिट, तो उसी दिन मेरे को C3 मैंने चेक किया कि यार पता कर लेते हैं दूसरी दुकानों पर रियलमी C3 के क्या प्राइस चल रहे। तो उसके प्राइस 13000 रुपये 4GB 64GB, जिसकी रियल प्राइस 8999 है, जो कि सिर्फ 9000 का, यानी एक फ़ोन पे 3000 से 4000 रुपये कमा रही है। आप, मैं सिर्फ एक फ़ोन की नहीं कह रहा हूँ, आपको जो फ़ोन देखना वो देख लो, सभी की प्राइस ऐसी है। और आप में से पूछोगे कि भाई फिर आपने सैमसंग M11 का रिव्यू क्यों बनाया जब इतना महंगे मिल रहा है। सैमसंग की ऑथोराइज स्टोर या सैमसंग के मॉल ये कोई भी जो है ज़्यादा महंगी प्राइस में नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि इनकी हो जाती कंप्लेंट और इनको उससे डबल जो है नुकसान भरना पड़ता है। इन्हें जो रेट कंपनी देगी उसी रेट पे सेल करना होता है, इसलिए मैंने M11 का रिव्यू करा। आप अभी जाओ किसी भी स्टोर पे, मैंने जो बोला वही होगा, अगर नहीं हो रहा तो भाई आप कमेंट करके बताओ कि हो ही नहीं सकता ना, सभी 2000 रुपये महंगे में बेच रहे, कोई भी हुआ 1000 तो लेगा, 2000 अभी 3000 तक ले रहे हैं। अब आपको एक अपडेट बताता हूँ, अभी रियलमी जो है उसने एक ट्विटर पे ट्वीट किया कि भाई कल जो उनकी सेल स्टार्ट होने वाली, तो अगर आजकल में फ़ोन लेने वाले हो तो मत लो, ऑनलाइन जाओ, बढ़िया 2000 रुपये सस्ते में आएगा। उस 2000 रुपये का जियो में रिचार्ज करना, शायद 1700 या 2600 का कुछ प्लान आता है एक साल का, पूरा एक साल का इंटरनेट डला लेना उन पैसे से, तो आप क्यों 2000 रुपये उनको ज़्यादा दे रहे हो। तो ये करो, समझदारी की बात करो। अब आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया तो मैं आपकी हमेशा हेल्प करूँगा, और इन जैसे फ्रॉड जो दुकानदार है, ये बाकी टाइम तो ये दुकानदार रोते रहते कि हमारे फ़ोन नहीं बिकते, ये ऑनलाइन को बंद कराओ। अब हम ऑनलाइन से नहीं ले रहे, आपसे ले रहे, तो आप तो ये करते हो, अब हम इसीलिए ऑनलाइन पर स्विच करते हैं भाइयों, इसलिए हम ऑफलाइन मार्केट में नहीं जाते, क्योंकि आपकी ये हरकतें 2000 3000 वाली। ऑनलाइन पर हमेशा वो एक रेट तो रहता है, कम से कम ऑफर आ जाते हैं, तुम्हारे तो ऑफर भी नहीं आते और तुमने तो रेट अलग बढ़ाए, इसलिए हम सपोर्ट नहीं करते आपको। और ऐसे ही नहीं करते रहेंगे जब तक आप जो है ना एकदम जेन्युइन तरीके से, आप तो फ़ायदा उठा रहे हो लॉकडाउन का। आप ये तो देखो, किसी बंदे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, घर में फ़ोन ही नहीं है, तो आप थोड़े है ना समझदारी रखे दुकान वालों जितने भी है। तो बस मेरी यही एडवाइस है कि आप अगर ऑफलाइन मार्केट में जाके खरीदने वाले हो मत खरीदिए, ऑनलाइन से ही खरीदो। और कल से स्टार्ट होने वाली सभी सेल फ्लिपकार्ट अमेजन सब दो। तो बस यही था आज की इस वीडियो में, कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। सैल्यूट टू फ्रीडम फाइटर्स, सब ड्रग्स, रिस्पेक्ट वुमेन, जय हिंद।